सदगुरु माँ द्वारा लिखित गीता ज्ञान दर्पण खंड अत्यंत प्रसन्नता के साथ सूचित किया जा रहा है कि प्रतीक्षा की घड़ी अब समाप्त हुई ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी तत्वदर्शी सिद्ध संत सदगुरु माँ ज्ञान द्वारा लिखित भगवत गीता का अद्भुत और विलक्षण भाष्य का छठा खंड छप गया है गूढ़ता में सरलता सरलता में विलक्षणता और विलक्षणता में दिव्यता को अपने में समेटे गीता ज्ञान दर्पण खंड 6 का विमोचन तेईस जनवरी 2023 संध्या पाँच बजे होने जा रहा है इसके पूर्व भी सदगुरु माँ ज्ञान द्वारा रचित गीता ज्ञान दर्पण के पाँच खंडों का प्रकाशन हो चुका है जो गीता प्रेमियों के बीच धूम मचा रहा है जो भी गीता ज्ञान दर्पण को एक बार पढ़ लेता है वह इसका दीवाना हो जाता है सनातन धर्म में गीता का महत्व अतुलनीय है। है। है समस्त वेद उपनिषदों का सार गीता गीता, में समाहित है। सनातन अध्यात्म जीवन जीने की कला है गीता ऐसे अद्भुत ग्रंथ गीता को जन साधारण के समझने योग्य बना दिया सदगुरु माँ की लेखनी ने पाठक उत्सुक है गीता ज्ञान दर्पण के अगले खंड को पाने के लिए वैसे तो अन्य कई विद्वानों द्वारा गीता पर भाष्य लिखा गया है और लिखा जा रहा है परंतु गीता ज्ञान दर्पण उन सबसे विलक्षण है जिसके कारण यह पाठकों का हृदय हार बन रहा है गीता ज्ञान दर्पण में गीता की विवेचना मन को मंत्र मुग्ध कर देती है सदगुरु माँ ज्ञान की भाषा शैली बिल्कुल ही सरल और सरस है गीता ज्ञान दर्पण में गूढ़ एवं कठिन विषय वस्तु को भी बड़े ही सरलता के साथ इस प्रकार खोला गया है कि सहज ही अंगम हो जाता है इसमें जगह जगह सनातन धर्म के छुपे रहस्यों पर भी प्रकाश डाला गया है जिसे पढ़ने पर सनातन धर्म की अद्वितीयता सहज ही प्रकाशित हो जाती है इसमें सनातन धर्म के ऐसे ऐसे गूढ़ पहलू उजागर हुए हैं कि व्यक्ति अचंभित रह जाता है और उसके मन में अपने सनातन धर्म के प्रति सहज ही भक्ति व प्रेम उमड़ पड़ता है किसी का भी खंडन मंडन किए बिना गीता में छुपे रहस्यों को प्रस्तुत ग्रंथ में इस तरह से समझाया गया है कि बात पाठक के दिलो दिमाग में उतर आती है गीता ज्ञान दर्पण में किसी भी प्रकार का सैद्धांतिक पूर्वाग्रह नहीं है न द्वैत का न अद्वैत का न कर्म का न भक्ति का और न सांख्य ज्ञान का किसी भी पथ के आग्रह से मुक्त गीता में आए सभी मार्गों ज्ञान कर्म एवं भक्ति मार्ग की सटीक व्याख्या की गई है किसी भी मार्ग पर चलकर व्यक्ति सुधन्य हो सकता है और विसाद से प्रसाद की ओर अग्रसित हो सकता है गीता ज्ञान दर्पण में आए कर्म योग की चर्चा पढ़ने पर पाठक कर्म योगी बनने का संकल्प ले लेता है भक्ति योग की चर्चा पढ़ने पर भक्ति सागर के अमृत में हिलोरे लेने लग जाता है और ज्ञान योग की चर्चा पढ़ने पर पाठक की आत्मा में सीयो अहम अहम ब्रह्मस्मि असंगो अहम की मदमस्त करने वाली गूंज गुझ, गूंजने लगती है गीता ज्ञान दर्पण में जाति वर्ण देश प्रांत पंथ आदि में अनुचित समता के सूत्र को ढूंढ निकाला गया है जो मनुष्य मनुष्य को एक मजबूत और प्रेमल डोर से बांधने में पूर्ण सक्षम है श्रीमद् भगवद गीता में भरे समता के अमृत को सदगुरु माँ ने अपनी जादुई लेखनी से मानो इस भाष्य में पूरी की पूरी उड़ेल दी है सुख दुख में समता व्यक्ति व्यक्ति में समता वर्ण वर्ण में समता जाति जाति में समता प्रांत भाषा मत मजहब पंथ आदि सभी में समता की संजीवनी इस भाष्य में चम चम चमकती अनुभूत होती है प्रस्तुत भाष्य में जगह जगह, जगह जहाँ ईश्वर की भक्ति छलकती है वहीं देश भक्ति की बातें भी कूट कूट कर भरी हुई है जिसको पढ़ने पर पाठक अनायास ही एक सच्चा देशभक्त बन जाता है सदगुरु माँ द्वारा की गई गीता के हर एक श्लोक की व्याख्या अद्भुत है इनकी भाषा शैली ऐसी है कि एक बार पुस्तक हाथ में लेने पर पूरा पढ़ जाने की उत्कंठा और ललक व्याकुल बना देती है आगे क्या लिखा है इसे जानने के क्रम में घंटों कैसे बीत जाते हैं यह पता भी नहीं चलता वस्तुता यह दिव्य ग्रंथ समस्त मानव समुदाय को दिया गया अमृतमय वरदान है आइए हम इसे पढ़ें और पढ़ाएं, जीवन को सफल सुखी बनाएं। हाथ कंगन तो आरसी क्या आप स्वयं पढ़ें और अनुभव करें। सदगुरु माँ द्वारा लिखित गीता ज्ञान दर्पण खंड श्री कबीर ज्ञान मंदिर गिरिडी झारखंड